नमस्कार। कविता का शीर्षक है ना तुम ना मैं ना समंदर। लैंप पोस्ट की लाइट पड़ती है आंखों पर, बीड़ी का एक कश उतरता है गले से, बिखरा हुआ कमरा और बिखर जाता है। कहीं कुछ भी तो नहीं, ना आंसू ना शब्द, बस एक कड़कड़ाती देह है जो अकड़ती जा रही है। उफ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। न जाने क्यों भगवान याद आता है अचानक, और उसी क्रम में गाली भी इस शब्द के लिए, उतनी ही गालियाँ इस लिज लिजे प्रेम के लिए। 1 2 3 प्यार है या सर्कस का टिकट, मैंने प्रेम किया इसकी तमाम बेवकूफियों के साथ। मैंने सोचा एक स्त्री वाकई में कर लेती है कुछ समझौते, एक चुप्पी जो टूट कर कह सकती थी बहुत कुछ, वह चुप्पी चुप्पी ही बनी रह जाती है। एक निर्मम ख्याल आता है पूरी निर्ममता के साथ, दुनिया को कर दूं तब्दील एक पुरुष वैश्यालय में। एक और झंझनाता है हाथ, एक ख्याल जो जूझता है खत्म हो जाने और फिर से बन जाने के बीच। एक ख्याल जो जिंदगी को कह देना चाहता है अलविदा। है ही क्या रखा इन खाली हो चुकी हथेलियों में, ना चांदनी रात ना खुला आसमान, ना खेत ना जंगल ना पहाड़, ना तुम ना मैं ना समंदर ना जिंदगी, बस पीछे छूट चुके घर के ठीक सामने वाले पहाड़ पर चढ़ने और उतरने की एक तीव्र इच्छा जागती है। एक ऐसी इच्छा जो खत्म हो जाएगी अपनी पूरी क्रूरता के साथ। धन्यवाद।